Warm welcome students of this academy. Today I am going to deliver with you this chapter 2 from your Marigold book. Okay, so wonderful waste. So waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. You already know that about this wasting. Okay, so let's find out this story. Okay, what happened on this story. So once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his place. एक दिन क्या होता है जो महाराजा होता है ना Travancore का वो ऑर्डर करता है ग्रैंड डिनर अपने पैलेस में. ओके सो इन द आफ्टरनून में और डिनर से पहले बिफोर द डिनर जो महाराजा होता है एंटर करता है द किचन टू सर्वे द डिशेज. डिशेज मैंने क्या होता है बर्तन वगैरह. ओके उनको देखने के लिए दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट उस टाइम पे. ओके सो वट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स ही आस्क्ड द कुक. ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट द स्क्रैप ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक एंड द कुक रिप्लाइड दे आर वेस्ट वी विल थ्रो दैम अवे. दैट मीन्स क्या होता है वो क्या पूछता है कुक से बोलता है तुम इनका स्क्रैप्स का जो ये चिकल वगैरह इनका क्या करोगे. ओके वेजिटेबल के स्क्रैप्स से उनका क्या करोगे. वो पॉइंटिंग करके बताता है बास्केट में तो वो क्या कुक क्या बोलता है दे आर वेस्ट. ये क्या है वेस्ट है वी विल थ्रो दैम अवे. मैं इनको फेंकने जा रहा हूँ. ओके सो यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स. आप इनको थ्रो नहीं कर सकते हो. किसने कहा महाराजा ने. फाइंड अ वे यूज दैम. इनको भी आपको यूज करना होगा. सो द महाराजा कमांड स्टर्नली. उसने बहुत उस वे में क्या है स्टर्नली करके बहुत ज़्यादा जोर करके अपना कमांड दिया एंड वहाँ से चला गया कि तुमको ये जो है फेंकना नहीं तुमको इसका कुछ ना कुछ बनाना है. ओके सो द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड कैप्ट स्टीयरिंग एट द वेजिटेबल. ओके सो दे आर वेस्ट यू विल थ्रो दैम अवे. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स. फाइंड अ वे टू यूज दैम. द महाराजा कमांडेड स्टर्नली and walked away. The cook was in a fix and kept stirring at the vegetable scraps for some time. तो वो उसको बहुत टाइम आराम से मतलब आई मीन उससे देखने लग गया स्टर करने लग गया वेजिटेबल स्क्रैप्स को और सोचने लगा कि मैं इसका क्या करूँ. ओके सो वो पूरा किस में था इन अ फिक्स उस बिल्कुल दुविधा में था. ओके सो एंड आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. सडनली उनको देख के उसके माइंड में एक आइडिया आया. ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स वॉश्ड दैम एंड क्लीन्ड दैम. उसने सारे वेजिटेबल्स बिट्स लिए उनको वॉश किया अच्छे से क्लीन किया. ओके देन ही कट दैम इंटू लॉन्ग स्ट्रिप्स. में क्या किया उसने कट करा. ओके सो ही पुट दैम इन अ यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक. इस टाइप से उसने बिग जो है आपका यूज़ जो है सबसे बड़ा वाला पॉट लिया और उसको किस में रखा फायर में रखा आग में रखा. नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर. उसके बाद उसने क्या किया उसमें कोकोनट डाला ग्रीन चिलीज लिया. ओके फ्रेश कोकोनट होता है ग्रीन चिलीज होता है एंड गार्लिक टुगेदर साथ में सब कुछ. ओके सब कुछ उसने ऐड कर दिया. गार्लिक मीन्स लहसुन. सो ही एडेड दिस पेस्ट इन सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स. उसने सब कुछ ऐड किया उसका पेस्ट बनाया सॉल्ट एंड कुकिंग वेजिटेबल्स टाइप्स. सो अ टैम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट. उस पॉट से टैम्पटिंग मतलब बहुत ही सुंदर सी जो है स्मेल आने लग गई. नाउ ही विप्ड सम कर्ड. उसके बाद उसमें क्या करता है वो कर्ड ऐड करता है टू द कड़ी के लिए कड़ी बना जैसे कड़ी बनती है लाइक दिस. ओके ही ऑल्सो पॉड अ फ्यू स्पूनफुल्स. उसमें क्या डालता है कोकोनट ऑयल डालता है चम्मच जैसे बोलते हैं ठीक है थोड़ा चम्मच फ्यू स्पून्स लेता है कोकोनट ऑयल के एंड डेकोरेटेड करता है उसको किससे कड़ी लीव से राइट. सो लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉश रेडी. तो क्या देखता है सडनली कि उसकी जो डिश है वो आराम से पहले उसको अच्छे से कुक करता है उसके बाद उसको देखता है कि डिश क्या रेडी हो चुकी है. द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू गेस्ट दैट इवनिंग. और वही डिश को जो है वो इवनिंग में क्या करता है सर्व करता है गेस्ट को. एवरी वन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश. और एवरी वन बहुत ज़्यादा ईगर होते हैं उस डिश का नेम जानने के लिए. सो द कुक थॉट कुक सोचता है एंड सोचता है मतलब सोचता रहता है पहले वो. सो देन अ नेम केम टू हिज माइंड. सडनली उसके माइंड में एक नेम जो है आता है. ही नेम्ड इट अवियल.
तो उसका नेम क्या था? अव्यल. अव्यल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला. अव्यल क्या हो गया था? फेमस हो गया था केरला में. एंड इज नाउ वन ऑफ द डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस्ट. और वो जो है एक आपका केरला का ट्रेडिशनल फीस्ट भी बन चुका था. ठीक है, थैंक यू. सो एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट. क्या आप इमेजिन कर सकते हो जो सब कुछ बास्केट में था तो उसका कैसे जो है डिस रेडी हुई, राइट? सो दिस अ वेरी नाइस स्टोरी, राइट? सो लेट्स सी न्यू फ्रेजेस. इन अ फिक्स मीन्स क्या होता है? सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम. सो इन अ फिक्स का मतलब होता है सिचुएशन हार्ड टू एस्केप फ्रॉम, मतलब किसी सिचुएशन से बाहर आने के लिए. ओके, मतलब उस टाइम पे जैसे स्टक हो जाते हैं ना तो एकदम से उसके से बाहर आने का मन करता है. सो फ्लैश अक्रॉस द माइंड मीन्स क्या? सडनली थिंक ऑफ, एकदम से क्या आ जाना, कोई एकदम से क्या हो जाना, एकदम से आपके जो सोचते हो एकदम से. ठीक है, आइडियाज लाइक दिस. लो एंड बिहोल्ड का मतलब लुक व्हाट अ सरप्राइज. वो एकदम से क्या होता है, सडनली अपना आप सरप्राइज हो जाना. ओके, एंड ट्रेडिशनल फीस्ट का मतलब था हार्टली मील फॉर मेनी गेस्ट सर्व्ड ऑन अ स्पेशल ओकेशन. में जो हम एक मील को सर्व करते हैं जिसका एक स्पेशल नेम होता है, दैट इज कॉल्ड अ फीस्ट. ओके, अंडरस्टूड कम्प्लीटली? सो दीज आर क्वेश्चंस आंसर एंड आई हैव टू डिक्लेयर दिस क्वेश्चन आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.